नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। अब देश में बिना स्मार्टफोन इंटरनेट के जरिए भी यूपीआई से पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। केवल अपने फ़ोन से कॉल करके व्यक्ति जिसे चाहे उसे मनी ट्रांसफ़र समेत दूसरी सुविधाएं जैसे फास्टैग, मोबाइल रिचार्ज के अलावा अन्य बिल ले सकेंगे। ये बात जयपुर में हुए आईटी एक्सपो में मीडिया से बात करते हुए डिजिटल इंडिया के CEO अमिताभ नाग ने कही। दरअसल देश में अब भी एक वर्ग ऐसा है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। कई जगह इंटरनेट की सुविधा नहीं होने पर भी लोग यूपीआई की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। CEO अमिताभ नाग ने बताया कि हमारा उद्देश्य डिजिटल और लिटरेसी गैप को बांटना है। वर्तमान में वॉइस कमांड के जरिए यूपीआई से भुगतान की फैसिलिटी देश में शुरू हो गई है। ये दो भाषाओं हिंदी एवं अंग्रेजी में चल रही हैं। इसे आगे हम 5 रीजनल भाषा में जल्द शुरू करने वाले हैं। अब हम उन लोगों के लिए UPI पेमेंट ट्रांसफ़र की सुविधा शुरू कर रहे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। जहां इंटरनेट नहीं है वहां भी पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया इसके लिए यूज़र को अपने मोबाइल फ़ोन से एक नंबर डायल करना होगा। उस नंबर को डायल करने के बाद आपसे सर्वर उस नंबर या व्यक्ति के बारे में पूछेगा जिसे आपको UPI के जरिए पैसा ट्रांसफ़र करना है। अगर आपके पास नंबर सेव नहीं है तो आप उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर बोलकर या टाइप करके बताना होगा। नंबर मिलने के बाद सिस्टम उसे UPI अकाउंट से जांचेगा, बताएगा कि नंबर किस व्यक्ति का है। उस व्यक्ति का नाम बोलने और आपसे कंफर्म करने के बाद सिस्टम वह राशि पूछेगा। राशि बताने के बाद सिस्टम आपके खाते से संबंधित व्यक्ति को राशि ट्रांसफ़र कर देगा। CEO ने बताया अगर आपके मोबाइल में व्यक्ति का नाम पहले से सेव है तो ये प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। इसमें यूज़र को नंबर डायल करने के बाद उस व्यक्ति का नाम बोलकर पैसे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया करनी होगी। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया उसी तरह होगी जिसे वर्तमान में LPG गैस बुकिंग के लिए होती है। उसमें भी उपभोक्ता को एक नंबर पर डायल करने के बाद सिलेंडर रिफिल समेत अन्य सुविधा का लाभ मिलता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।